अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सागर अली। आप देख रहे हैं से टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी के भी गैलरी के तमाम डेटा को देख सकते हैं, चाहे उसने कोई भी गैलरी को लॉक लगाया हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप जिस किसी का भी गैलरी का डाटा देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, जो कोई भी है आप उसका डाटा देख सकते हैं। गैलरी के डाटा के साथ साथ आप उसके व्हाट्सएप का भी डाटा देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि उसने कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं। दोस्तों सिर्फ आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है, अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप करेंगे तो आपको कोई भी समझ नहीं आएगी और फिर आपने कमेंट में आकर कहना है यार ये वीडियो फेक है। इसलिए वीडियो को पहले कम्प्लीट देख लें, अगर आप वीडियो को एक दफ़ा कम्प्लीट देख लेते हैं तो फिर आप किसी के भी, चाहे किसी ने कोई भी ऐप लॉक लगाया हो, आप उसकी गैलरी का तमाम डेटा देख लेंगे। जिस किसी का आप गैलरी का डेटा देखना चाहते हैं आपने उसका मोबाइल एक मिनट के लिए ले लेना है। मोबाइल लेने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आना है और आपने ऊपर सर्च बार में कोड डायल करना है। वो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं हैकिंग कोड के नाम से वो कोड डाल दूंगा, आपने वहां से उसे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपने क्रोम ब्राउज़र में आकर ऊपर सर्च बार में उसे पेस्ट करना है। और जैसे ही आप पेस्ट करने के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे तो उसके मोबाइल का जितना भी डाटा होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो सैमसंग के मोबाइल में जो पिक्चर होती हैं वो DCIM में होती हैं, और आपने DCIM पर क्लिक करना है। जो फ्रंट और बैक कैमरा की पिक्चर होती हैं वो कैमरा में होती हैं। कैमरा पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी तमाम पिक्चर देख सकेंगे जो उसके मोबाइल में मौजूद होगी। डाउनलोड पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड करता रहता है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप का डेटा देखना चाहते हैं तो आपने व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। व्हाट्सएप पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फाइलें आएंगी, आप इनमें से देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें व्हाट्सएप से करता रहता है। अगर उसने वो बहुत ही चलाक बना हुआ है और उसने इसे भी लॉक किया तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आपने हर मोबाइल का अपना एक ब्राउज़र होता है, आपने उसमें चले जाना है और उसमें आने के बाद आपने सर्च बार में वही कोड डायल करना है। वो कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। मैं यहाँ उसे लिख लेता हूँ। जैसे ही आप कोड पेस्ट करके गो पर क्लिक करेंगे तो उसके मोबाइल का जितना डाटा होगा आपके सामने फिर शो हो जाएगा। यहाँ से भी आप उसका डाटा तमाम देख सकते हैं। दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप किसी के भी व्हाट्सएप के अकाउंट को हैक कर सकते हैं। अगर आप भी किसी के व्हाट्सएप के अकाउंट को हैक करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने उसे भी देख लेना है। उसके बाद आपने प्ले स्टोर में आना। प्ले स्टोर में बहुत सारे ब्राउज़र मौजूद हैं, आपने उनमें से कोई भी ब्राउज़र कर लेना है। यूसी ब्राउज़र आप कर लें, और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं उनमें से आपने ब्राउज़र कर लेना है। पीछे जो तरीका मैंने आपको बताया वो वाला तरीका आपने उस ब्राउज़र में भी करना है। इस तरीके से भी आप उसका डेटा निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।